दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईबीपीएस बैंक या एसबीआई बैंक या पीओ क्लर्क सारे एग्जामिनेशन में टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखेंगे। उसके बेस पे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन का। इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि टाइम एंड डिस्टेंस के फार्मूला बेस पे आप क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो स्पीड इज ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन मोशन विच इज ऑल अबाउट हाउ फास्ट और स्लो एनी ऑब्जेक्ट मूव। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है करंट पोजीशन, वो मूव करके सर्टेन स्पीड से इस पोजीशन से आता है तो एक टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में डिस्टेंस कवर करता है। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो स्पीड को बेसिकली हम लोग फार्मूला के तौर पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं इजीली। तो वैसे ही फार्मूला को जैसे को स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बटा स्पीड। सो फार्मूला फॉर टाइम इज द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। वैसे ही फार्मूला को हम लोग डिस्टेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस लिखते हैं, डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं, और टी को टाइम को टी लिखते हैं। तो एस इज इक्वल टू डी बटा टी। वैसे ही हम लोग यदि डिस्टेंस टाइम निकालना है तो टी इज इक्वल टू डी बटा एस, और यदि आपको डी निकालना है तो डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये बेसिक तीन बेसिक फार्मूला है जो आपको हमेशा रटना है। तो एक और कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके क्वेश्चन में दो तरह से दिया रहता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर या उसका पैरामीटर मीटर पर सेकंड दिया हो तो आपको कन्वर्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले जो कन्वर्ट करना है वो है कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। फॉर कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड वी यूज द दिस फार्मूला। मीन्स एक्स किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू एक्स इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो उसको किलोमीटर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, जितने भी वैल्यू आपको आया है। सपोज आपको जो भी वैल्यू आया है, सपोज 36 किलोमीटर पर आवर आया हुआ है, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 36 इंटू 5/18 इसको 15 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे कन्वर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। यदि आपको मीटर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए 18/5। तो सपोज 30 है तो उसको 18/5 कर दीजिए, 5/6, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा और लिख दीजिए उसको किलोमीटर पर आवर 108 किलोमीटर पर आवर। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड फार्मूला। तो इसमें आपको बताएंगे कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आप कैसे निकाल लेंगे। तो जैसे कि हम लोग देखते थे कोई चीज़ का एवरेज निकालना है, जो सपोज 5 नंबर है 1, 4,
8, तो इसको एवरेज निकालना है तो तीनों को जोड़ के हम लोग क्या करते थे, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे भी आपको अगर टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एवरेज निकाला जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम, मीन जितना भी डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसको डिवाइड से टोटल टाइम है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहा है, वो एक 30 किलोमीटर मूव किया, फिर 40 किया, फिर 50 किया, इसको मूव करने में 15 मिनट लिया, इसको 40 किलोमीटर किया, 50 किलोमीटर किया, इसको 30 मिनट लिया, तो बोलेगा कि एवरेज स्पीड कितना है, तो आपको क्या करना, तीनों को ऐड करके इसको डिवाइड कर देना, तो ऐसे एवरेज स्पीड निकलता है। व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, सपोज एक ए पॉइंट से बी ट्रेवल किया, इसका टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, वही ऑब्जेक्ट ए बी से फिर जाके सी किया, इसका भी 10 किलोमीटर है, तो जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस वाई, जहाँ पे x एंड y टू स्पीड है, मीन्स जो भी स्पीड से ये ट्रेवल किया, सपोज ये 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया और ये भी 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, तो दोनों का जो एवरेज स्पीड होगा 2 इंटू 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 60। मैं आपको एग्जांपल तोड़ के एक बार बताऊंगा। व्हेन द टाइम टेकन इज कांस्टेंट, मीन जब टाइम जो टेक टाइम ले रहा है वो कांस्टेंट होगा, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए है, वो बी तक गया, ए 30 मिनट टाइम लिया, एक ऑब्जेक्ट फिर वही ऑब्जेक्ट बी से सी गया, अगेन वो 30 मिनट लिया, मीन्स इसका टाइम क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, और ये सपोज 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया और ये 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, तो जो एवरेज स्पीड होगा वो 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 होगा, जब टाइम दोनों का कांस्टेंट हो। तो ये बेसिक फार्मूला है, आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाते हैं कि कैसे भी जब सॉल्व करेंगे, तो सबसे देखते हैं एक एग्जांपल है कि ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी, ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू सपोज बी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जो इसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये बॉडी फिर यहाँ से वापस आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो जैसे आपको बताया था कि ये डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो जब डिस्टेंस जब सेम होता है तो हम लोग क्या था फॉर्मूला, 2xy x प्लस वाई, तो ये जस्ट कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले पे पुट करना है 2 इंटू 60 इंटू 40 बाय 60 प्लस 40, ये 100 हो गया, 100 ए 2 इंटू 60 इंटू 40 बाय 100, आप एग्जामिनेशन में स्टेप मत लिखिए, डायरेक्ट यहाँ पे काट दीजिए, 6 इंटू 2 12 इंटू 4 इजकल टू 48 किलोमीटर पर आवर, तो इसका बेसिक ये आंसर हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इजीली एग्जामिनेशन में इसको मैक्सिमम 10 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे, देखेंगे 2 इंटू 60 40 00 कट गया, 6 24 इंटू 2 48, ऐसे आप इजीली सॉल्व करेंगे। और देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड, इफ टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड ए एंड बी, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज ए माइनस बी, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज एक दो ट्रेन है, तो एक ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो ए माइनस बी, इफ टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ए एंड बी, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज ए प्लस बी, मीन सपोज एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है, तो ये ट्रेन क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड जो होगा होगा ए प्लस बी। मैं आपका इस एग्जाम्पल के मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन जब मूव करता है प्लेटफॉर्म पे
तो किस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, तो सारे कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें और देखते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आज इतना ही। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप हमें कमेंट के थ्रू फीडबैक ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।